नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, सी टेट जुलाई एग्जाम 2021 के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूं। काफ़ी अच्छी न्यूज आप सबके निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, सी टेट एग्जाम 2021 की ऑनलाइन फॉरम व परीक्षा तिथि के बारे में दोस्तों नोटिफिकेशन कब आएगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं मेरे को कमेंट करते हैं कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। अगर आप सी टेट की सभी प्रकार की अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि आगे भी आपको सी टेट से संबंधित डेली अपडेट है वो देखने को मिल जाएगी। तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सी टेट 2021 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरुआत जल्द हो सकती है। और जैसा कि पहले मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा था कि 25 अगस्त तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अब नोटिफिकेशन दोस्तों आपका जो है अगस्त के लास्ट वीक में जारी होगा। जी हाँ दोस्तों, अगस्त के लास्ट वीक में यानी कि जो वीक चल रहा है इसी वीक में आपका नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। और अगले सेशन की जो परीक्षा है वो ऑनलाइन आयोजित करवाई जाएगी दोस्तों, और वो दिसंबर या फिर जनवरी 2022 में आपकी जो परीक्षा है दोस्तों वो आयोजित करवाई जाएगी। सी टेट साल में 2 बार आपकी होती थी, लेकिन पिछले 2 साल से सिर्फ 1 बार ही एग्जाम हुई है। तब अभी तक दोस्तों ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जाती थी, लेकिन अब कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑनलाइन परीक्षा करवाने का फैसला लिया गया है। हालांकि ये देखना होगा दोस्तों कि आपकी ऑनलाइन परीक्षा क्या हर बार हुआ करेगी या फिर सिर्फ 1 बार ही ऑनलाइन होगी, क्योंकि अब ये भी अपडेट आ रही है कि ऑनलाइन एग्जाम जो है इतने सारे स्टूडेंट का करवाना काफ़ी मुश्किल है। इतने सारे जो है कंप्यूटर की व्यवस्था करना ऑनलाइन के लिए दोस्तों बहुत खर्चा होता है। तो इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर दोस्तों अभी जो फैसला है वो बदला जा सकता है। ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन भी एग्जाम हो सकती है, क्योंकि अब जो कोरोना का कहर है वो दोस्तों वो अब कम हो गया है और वैक्सीन भी अब सभी को लगाई जा रही है। तो ऐसे में हालांकि परीक्षा पैटर्न आपका बदल दिया गया है और प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग कॉन्सेप्ट, क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एप्लीकेशन की नॉलेज से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका ब्लूप्रिंट अलग से जारी किया जाएगा दोस्तों। अब तक जो पेपर आपके 2 पेपर होते थे, लेकिन अब दोस्तों इसमें 3 पेपर आयोजित कराए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 6 से 8 तक और साथ में ही एक अगला पेपर आपका होगा वो होगा दोस्तों 9 से 12 तक, जो आपका नई शिक्षा नीति के तहत इसमें बदलाव किया जाएगा। उम्मीदवारों को कैटेगरी के अनुसार एप्लीकेशन फ़ीस भी जमा करानी होगी। जी हाँ दोस्तों, कैटेगरी के हिसाब से ऑनलाइन फ़ीस अलग अलग रहती है दोस्तों। 1,700 या फिर 1,200 जो है अलग अलग पेपर की अलग अलग फीस होती है। अगर आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों की भी अलग अलग फीस होती है। कैटेगरी के हिसाब से फीस रहती है। जनरल और ओबीसी की एक समान रहती है, एससी और एसटी की एक समान रहती है। तो ये दोस्तों आप सबके लिए ऑनलाइन फॉरम आए जो है सितंबर तक जो है स्टार्ट हो जाएंगे। सितंबर से अक्टूबर तक आपके ऑनलाइन फॉरम चलेंगे दोस्तों। नवंबर में आपके दोस्तों जो है एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे। दिसंबर में आपकी एग्जाम हो जाएगी। एग्जाम डेट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ने अपडेट किया कि 6 दिसंबर को आपकी जो एग्ज़ाम है वो आयोजित हो सकती है। अब देखना होगा दोस्तों कि कब तक ये एग्ज़ाम है वो आयोजित हो जाएगी। सी टेट को लेकर दोस्तों आगे भी आपके लिए अपडेट आती रहेगी। नोटिफिकेशन की बात करूँ तो नोटिफिकेशन इसी महीने में कभी भी जारी हो जाएगा, इसी अगस्त के लास्ट वीक तक। तो दोस्तों जैसे ही आपका नोटिफिकेशन होगा मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।